ओके तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है नेकवेंट के ऊपर और मैंने बाय किया है 5 नेकवेंट जो प्राइस स्टार्ट होता है इसका 249 से 500 और ये अंडर 500 में जो नेकवेंट आते हैं ये सच में कितना अच्छा है, साउंड कितना अच्छा होने वाला है, बैटरी लाइफ क्या होने वाला है, बिल्ड वगैरह भी देखेंगे और आप लोगों ने काफी ज्यादा बाय भी किया इसमें से कुछ नेकवेंट, तो मैं सोचा चलो इसका रिव्यू करते हैं और आपको देते हैं ऑनेस्ट ओपिनियन किसमें से आपको कौन सा लेना चाहिए और किसे आपको फेंक देना चाहिए। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस कुछ चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बॉक्स कंटेंट में क्या क्या देखने को मिलता है आपको, तो चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो यूएसबी होने वाला है सभी में, इसके अलावा यहां पे नेकवेंट रखा हुआ रहेगा और प्लस में आपको कुछ वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले नेकवेंट के ऊपर आते हैं, एक चीज और है, सभी में आपको मैग्नेटिक लॉकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। ओके तो गाइस पहला जो नेकवेंट है ये आता है ओडेन वायरलेस हेडसेट और अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट बॉक्स में से निकालेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी का साउंड एक्सपीरियंस पहले ही कर रखा है। तो ये जो नेकवेंट है ये आपको 249 रुपीज में देखने को मिलता है, इतने में ईयरफोन आते आई थिंक, और ये जो नेकवेंट है बिल्ड क्वालिटी पे वगैरह काफी ज्यादा चीप है और प्लस में यहाँ पे अगर आप बड्स देखोगे तो ये सभी इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है। मैंने यहाँ पे साउंड एक्सपीरियंस किया, ट्रस्ट मी गाइस इसका साउंड काफ़ी बकवास है और प्लस में एक तो यहाँ पे स्पीकर भी नहीं बज रहा था, तो ये तो पहले इलिमिनेट हो गया, तो ये लास्ट में आता है। तो मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा ये जो नेकवेंट है आप बिल्कुल बाय मत करना, मिस्टेक भी मत करना। अब आप टाइटल पढ़ के आए हो कि टॉप 5 नेकवेंट अंडर 500, तो देखो सभी के सभी बेस्ट नहीं होने वाले, जो बेस्ट है वो तो बेस्ट होंगे ही और जिसका जो प्राइस कम है वो मैं आपको बता ही दूंगा। ओके अब देखो बेस्ट में जो वर्स्ट है ये भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना, नहीं तो आप वर्स्ट वाला बाय कर लोगे राइट। और गाइस आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑफर है, अगर आप कोई भी स्मार्ट वॉच नेकबैंड हेडफोन सस्ते प्राइस पे लेना चाहते हो तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो goworth.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से। ओके और गाइस यहां पे आपको देखने को मिलता है काफी अच्छे स्मार्ट वॉच जो आपको Amazon पे 4000 का देखने को मिलते हैं वो मेरे वेबसाइट पे आपको 2500 में देखने को मिल जाएंगे, काफी 1500 का डिस्काउंट हमेशा रहता है, तो जल्दी जाओ बाय करो, काफी अच्छा ऑफर वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके तो चलो यहां पे आते हैं सेकंड नेकबैंड के ऊपर, ये है सोलिमो का नेकबैंड। अब ये जो नेकबैंड है तो गाइस ये जो सोलिमो का नेकबैंड है इसका बिल्ड क्वालिटी बताओ तो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल मुझे डिसेंट सा लगा है और यहां पे सोलिमो का ब्रांडिंग किया गया है और प्लस में यहां पे बटन वगैरह, हां एक चीज और, सभी का जो बटन है ये भी सेम होने वाला है, यानी कि वॉल्यूम को आप रेज कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, कॉल रिसीव रिजेक्ट कर सकते हो और वॉल्यूम को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, वही हो गया वॉल्यूम रेज और डाउन। ओके और प्लस में नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं। तो इसका जो बिल्ड है इसका ये टिप्स का बिल्ड थोड़ा सा अच्छा दिखने में लगता है और प्लस में इसका जो साउंड है, देखो इसका साउंड 50% वॉल्यूम पे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, यानी इसे मैं बोल सकता हूँ एवरेज सा साउंड है इसका और गाइस इसका साउंड आपको कान में चुभेगा, तो डेफिनेटली यहाँ बेस वगैरह काफी बकवास है। तो इसका जो प्राइस होने वाला है ये 449 यानी 450 का आता है और आई थिंक 450 में ये टोटली वॉश्ड होने वाला है, यानी बेकार है, मत ही खरीदना। और यहाँ पे जो बैटरी लाइफ होने वाला है ये 15 घंटे का दिया गया है और आई थिंक यहाँ पे जब साउंड ही अच्छा नहीं तो बैटरी लेकर क्या करोगे 15 घंटे का राइट, तो ये टोटली बेकार ही है। चलिए आते हैं यहाँ पे अब टॉप 3 नेकवेंड के ऊपर जिसमें से आप इसे कंसिडर कर सकते हो, बट जो नंबर 1 पे है वो बेस्ट है, यस बेस्ट भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो यहाँ पे जो UNI है ये एक नेकबैंड है और चलिए इसके बॉक्स में से फटाक से निकालते हैं, अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही बोल दिया था दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। ओके अब गाइस इसका जो क्वालिटी है आपको एवरेज सा लगेगा बट यहाँ पे मुझे ये काफी लाइट वेट लगा और यहाँ पे जो वायर का क्वालिटी है प्लास्टिक का है बट आपको ब्रेडेड का फील देगा और यहाँ पे जो स्पीकर है ये जो ईयरबड्स है ये मुझे काफी चीप लगा क्योंकि इसका जो मैग्नेट लॉकिंग सिस्टम है ये भी इतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे जो साउंड है इसका गाइस इसका साउंड जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो इसका जो साउंड है ये लाइक 60% वॉल्यूम पे इसका साउंड आप सुन लोगे, बेस वगैरह उतना अच्छा नहीं है, हम मिड्स और हाई है इसमें लेकिन बेस ही अच्छा नहीं है और प्लस में बैलेंस नहीं किया गया साउंड को, तो गाइस यहाँ पे जो साउंड है ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था UNI का। तो गाइस यहाँ पे जो UNI का प्राइस था ये 449 था, 450 का आता है। ओके आप लोगों ने इसे बहुत लोग कमेंट में पूछे थे भाई UNI का नेकबैंड आप लेकर आओ कैसा होता है, तो देखो इसका साउंड उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। बैटरी वगैरह का बात करते हैं, आपको 10 घंटे का बैटरी देखने को मिलता है तो बैटरी ठीक है बट साउंड उतना अच्छा नहीं है, तो इसे भी मैं रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। चलिए अब यहाँ पे टॉप 2 नेकबैंड बचे हैं, तो यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे नेकबैंड है ये KDM का नेकबैंड है, KDM आप KTM मत समझ लेना, ये KDM है। ओके चलिए बॉक्स में से निकालते हैं, बॉक्स वगैरह काफ़ी अच्छा इसका मुझे लगा है। तो गाइस इसका जो नेकबैंड है इसका क्वालिटी प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है और यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ, जो सस्ते नेकबैंड आते हैं वहाँ पे आपको प्लास्टिक का जो एक कैप आता है ये देखने को नहीं मिलता है चार्जिंग में, ये टोटली यार ना इंसाफी है, देना चाहिए। अब गाइस ये जो KDM का नेकबैंड है इसका क्वालिटी एवरेज आपको लगेगा और जो इसका बड्स का क्वालिटी है ये आपको चमचमाता हुआ दिखेगा लाइक KTM बाइक जैसे। ओके और यहाँ पे जो क्वालिटी है वायर का ये आपको ब्रेडेड केबल तो नहीं है, प्लास्टिक का ही बट आपको ब्रेडेड का फील देगा, कान वगैरह में काफ़ी अच्छी तरीके से ये फिट हो जा रहा था और यहाँ पे
मतलब थोड़ा बहुत बाहर का भी नॉइस होता है ये भी कैंसिल कर देता है और ये चिपक भी जाता है इस तरह से, तो ये कनेक्टेड भी रहता है। अब बात करते हैं इसके साउंड का, तो इसका जो साउंड है देखो, इसका जो साउंड है ये आप 60% पे आप गाना सुन सकते हो। मिड और हाई काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है, बट जो बेस है ये कहीं ना कहीं आपको चीप बेस फील होता है, तो ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आएगा। और प्लस मैं लाउडनेस का बात करूँ तो वही है, 60% से ऊपर बिल्कुल मत जाना। इसके अलावा मैं कॉल पे भी गया था इसे लगाकर, तो कॉल वगैरह भी काफ़ी अच्छा था, मतलब एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो नेकबैंड है ये आप कंसिडर कर सकते हो। बैटरी का बात करूँ तो यहाँ पे जो बैटरी इसका चलने वाला है ये आपको 24 आवर का क्लेम करते हैं, बट मैं ज़्यादा यूज तो नहीं किया हूँ, बट इसका बैटरी आपको 15 घंटे तक का देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसका जो प्राइस है ये आपको 500 में देखने को मिलता है। तो देखो प्राइस थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है, तो कभी 400 का हो जाता है, कभी 600 का हो जाता है। तो अगर आपको ये 400 या 450 तक का देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो जो नंबर वन पे है ये सभी का बिग डैडी होने वाला है, ऐसे यहाँ पे लिखा भी गया है, बिग डैडी बेस। तो गाइस यहाँ पे जो नंबर वन पे नेकबैंड है, इस पे आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो। ओके चलो आते नंबर वन के नेकबैंड पे, ये है इवॉन का BT5100। ऐसे में सभी नेकबैंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ जाकर आप बाइक कर सकते हो। सभी मत बाइक कर लेना, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो बेस्ट है वही बाइक करना। तो बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक चार्जिंग केबल है। हाँ, इसका चार्जिंग केबल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बता देता हूँ। जैसे मोबाइल का चार्जर आता है उतना बड़ा इसका चार्जिंग केबल है, तो अगर आपको चार्जिंग केबल भी चाहिए तो यूवॉन का ले लो नेकबैंड, इसमें चार्जिंग केबल भी काफ़ी बड़ा है, आपका फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। बिल्ड का बात करते हैं, बिल्ड भी काफ़ी अच्छा है, जैसे देख सकते हो मैट फिनिश भी यहाँ पे यूवॉन का बिल्ड है, और प्लस में प्लास्टिक वगैरह क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, और जो केबल का क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छा है, और प्लस में जो इसका बर्ड्स है ये मेटल का बर्ड्स दिया गया है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो गाइस इसका जो बर्ड्स है ये काफ़ी अच्छे तरीके से चिपक जाता है, आप भी चिपक सकते हो सब्सक्राइब बटन के साथ, सब्सक्राइब कर दो। ओके चलो अब बात करते हैं इसके साउंड का, बिल्ड काफ़ी अच्छा है डोंट वरी। अब बात करते हैं इसके साउंड का, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो लाउडनेस है, इसे आप 70% वॉल्यूम पे सुन सकते हो, जो अच्छा होता है 70% पे कोई भी गाना आप सुनना चाहते हो इसमें सुन सकते हो। अब जो बेस है ये बेस काफ़ी अच्छा है, इसका जो मिड और हाई है ये भी काफ़ी अच्छा इसमें दिया गया है, बैलेंस साउंड आपको सुनने को मिल जाएगा। ओके तो वैसे यहाँ पे देख सकते हैं यूवॉन का नेकबैंड मैं अभी ईयर में लगाया हूँ, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ सबसे पहले, एंड कॉल एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा होता है। ओके मेरा आवाज कैसा आ रहा है अवध भाई? ओके कोई भी डिस्टॉर्शन या आवाज कट के आ रहा है ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, आवाज क्लियर है। हाँ क्लियर ही है। ओके थैंक यू सो मच, करते हैं बात। और जो माइक का क्वालिटी ये भी काफी अच्छा है, तो मैं बोलना चाहूंगा इसका जो साउंड है इस जितने भी नेकबैंड मैं आपको दिखाया हूँ उस सभी से अच्छा है, और इसका जो प्राइस है ये 530 या 540 में आपको देखने मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा रहता है, 19-20 हो जाता है तो आप मैनेज कर लेना। ओके 540 रुपीज में ये जो नेकबैंड है डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। बैटरी का बात करो तो 10 घंटे का बैटरी दिया गया है, तो 10 घंटे का बैटरी लाइफ आई थिंक पूरे दिन आपका चल जाएगा नेकबैंड। अब इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना कि आपको ज्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा, मतलब 10 घंटे ठीक है, साउंड काफ़ी अच्छा है सच बता रहा हूँ। ओके और गाइस जितने भी नेकबैंड है इस सभी का एक चीज़ में नोटिस किया हूँ, ब्लूटूथ काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, यस कनेक्ट होने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ब्लूटूथ जल्दी कनेक्ट भी हो जाता है और गाना आप सुन सकते हो। तो फाइनली गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा इस नेकबैंड का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और मानो कोई और भी नेकबैंड है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो, वो भी वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। Under 1000 का अगर आप सीरीज देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो, और कौन सा नेकबैंड के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो ये भी बताओ। तो गाइस मिलते हैं फिर से इंडस्ट्री वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय।